वेलकम बैक। मैं आपका भाई राजा पाकिस्तानी, राजा पाकिस्तानी गोट फार्म जानब से आज मैं आपको लेके आया हूँ एक डेरे पर। भाई के पास 11 भेड़े हैं, माशाल्लाह सारी अच्छी हैं, डबल हड्डी में खूबसूरत है। भाई से रेट मैंने मालूम किया है, व्यूस आपको मैं भेड़े चेक कर रहा हूँ। भेड़े माशाल्लाह सारी अच्छी हैं भाई, दांतों में दो दो दांत हुए और चार दांत, सिर्फ एक भेड़ जो है ना वो छः दांत है, बाकी सारी दो दांत और चार दांत है। टोटल 11 भेड़े हैं, 11 भेड़ों के नीचे क्या कहते हैं, 7 भेड़े जो गब्बन तैयार हैं, तकरीबन 4 माह की, 4.5 माह की और कुछ 3.5 माह की गब्बन तैयार है। बाकी जो 4 भेड़ों के नीचे 5 बच्चे हैं, एक भेड़ के भी नीचे 2 बच्चे हैं, और जिसके नीचे 2 बच्चे वो मैं आपको भेड़ भी चेक कराता हूँ। ये माशाल्लाह इनके नीचे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अच्छे हैं, डबल हड्डी में खूबसूरत है दोनों जो है ना, माशाल्लाह चौड़े सीने में। एक जो वाइट है बच्चा निकाल दिए बाहर, एक वाइट है और दूसरा जो वाइट और ब्लैक है, ये दोनों बच्चे हैं। दूसरी बच्चे माशाल्लाह चेक करो, ऐसी नस्ल यकीन करो आपने, सिर्फ सावण फकीर के मेले में ये भेड़ें आई थी और मंडियों में ऐसे जानवर भाई नहीं आते हैं। माशाल्लाह भेड़ चेक करो, भेड़ का हवाना भी चेक करो, माशाल्लाह हवाना जो है ना गाय का हवाना है, लेंथ वगैरह में और चौड़े सीने में, डबल हड्डी में एक वाइट बच्चा है और दूसरा बच्चा वाइट और ब्लैक है, दोनों मेल है। सिर्फ 4 भेड़ों के नीचे 5 बच्चे, इस भेड़ के 2 बच्चे भी उस दूध पी रहे और सारा दिन जो है ना, ये मंडी के जानवर नहीं है कि दूध रुका हुआ है, सारा दिन ये बच्चे दूध पीते, भेड़ में दूध ज़्यादा है। इन भेड़ों के में माशाल्लाह दूध जो है ना, आपकी सोच से इनमें भेड़ों में दूध ज़्यादा होता है। ये भेड़ चेक करो, इसके भाई दांत चेक करा यार, दांत में अभी सिर्फ ये 4 दांत हुई है, उस आपको मैं दांत चेक कराऊँ, माशाल्लाह अभी 4 हुई है, सही नहीं आ रहे नज़र, हाँ सही है, अब सही है, माशाल्लाह दूध भी बच्चे पी रहे और दूसरी भेड़ उनके पीछे। इसका बच्चा है ना, इसका बच्चा कहाँ गया, इसका भी भाई बच्चा है, मैं आपको इसका भी बच्चा चेक कराता हूँ। और ये बच्चा, हाँ ये बच्चा माशाल्लाह पूरा गुलाबी है, ये बच्चा चेक करो भाई, माशाल्लाह चौड़े सीने में गुलाबी है, सिर्फ 10 दिन का बच्चा है लेकिन चौड़े सीने में, डबल हड्डी में खूबसूरत है। ये मंडी के जानवर नहीं है, भाई ने शौक के लिए घर पर रखे, भाई से रेट मालूम किया, भाई रेट भी उस आपको मैं बताता हूँ। और पहले भेड़े चेक करो, ये भी बच्चा सिर्फ 10 दिन का बच्चा है, जा रहा है चारपाई के नीचे, तो इसको मैं रोकता हूँ। ये बच्चा चेक करो माशाल्लाह, लेंथ वगैरह में और कलर देखो भाई, ये बच्चा ना डबल हड्डी में खूबसूरत है। सिर्फ एक भेड़ 6 दांत है, बाकी सारी 2 दांत और 4 दांत है। 7 भेड़े जो आपको बता रहा हूँ भाई, कन्फर्म गब्बन तैयार है। 4 भेड़ों के नीचे 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे इस भेड़ के और ये बच्चा जो इस भेड़ का है, और दूसरा ये बच्चा जो बैठा है ये सिर्फ 4 दिन का है, 3 दिन का या 4 दिन का होगा, मुझे इसके ओनर ने बताया। इसकी माँ पता नहीं कहाँ चलेगी, ये इसकी माँ है, ये अभी दांत में भाई 2 दांत हुई है, ये इसका बच्चा है। तो घास खा रहे, इसके दांत चेक करा भाई, जो साफ सोचो कि 4 दांत होगी, 6 दांत, ये नहीं है इसकी माँ, ये नहीं है, ये हाँ ये है इसकी माँ, हाँ ये सही है, ये भाई दांतों में 4 दांत है माशाल्लाह, इसके नीचे एक ये बच्चा है, अच्छा 2 दांत दूसरी है माशाल्लाह, इसका हवाना भी चेक करो। और बच्चा जो है ना, बच्चा लेंथ वगैरह में सही है और दूध देखो, भैंस जैसे भैंस का हवाना होता है ना भाई, वैसे इसका हवाना है। अच्छा तो भाई क्या मांग रहे हो पैसे, पैसे भाई 55। अच्छा फाइनल 55,000 रुपये मांग रहे हो, फाइनल 55। उस भाई से मैंने रेट मालूम किया, भाई किराए में 65 का पुट्ठा मांग रहा हूँ, फाइनल आपके लिए होंगी भेड़ ही हैं, 11 भेड़े हैं और इनके नीचे 5 बच्चे हैं, 7 भेड़े गब्बन तैयार है, भाई किराए फाइनल होगी ये 55,000 रुपये के एक। ये भाई सामने रहा, कह रहा कि मेरे पास मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप जो है ना अपना नंबर दे दो, व्यूस ये भेड़े चेक करो माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस भेड़ के नीचे माशाल्लाह बच्चा है, वो भी आपको मैं बच्चा चेक करता हूँ, ये दांतों में सिर्फ 2 दांत हुई है, इसके नीचे ना बच्चा, इसका बच्चा कहाँ गया यार, बाहर निकालो, चलो 2 दांत होगी, इसके दांत चेक करा यार, ये है इसका बच्चा, ये नहीं है, ये नहीं है, आपको ज़्यादा मुझे पता है, इसको यार इसके दांत चेक करा, बस ये सिर्फ 2 दांत हुई है, सही तो इसका मुंह खोल ले यार, ये ले भाई। अच्छा बस ये अभी सिर्फ 2 दांत हुई है माशाल्लाह, सारी भेड़ें अच्छी हैं, भाई शौकीन बंदा है, इसको घास भी खिला रहा है, जंतर और चोकर वगैरह सब कुछ, यहाँ भाई के डेरे पर आए हैं हम अपना टाइम निकाल के। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी भेड़ें अच्छी हैं, मैं आपको बताऊँ, ये भी भाई ना, ये भी गब्बन है तैयार, जो 7 भेड़े हैं वो शक वाली नहीं है, बिल्कुल 3.5-4 माह की गबन है। लेकिन भेड़ का सीना भी आपको मैं चेक कराऊँ, ये माशाल्लाह
और ये भी भाई गबन है तैयार। इसका सीना चेक करो माशाल्लाह, और लेंथ वगैरह में चौड़े सीने में डबल हड्डी में खूबसूरत है। सांड फकीर के जो मेले में लेके आया था उन भेड़ों की डिमांड तो भाई कर रहा था तकरीबन 4.5-5 लाख रुपये एक भेड़ बता रहा है, लेकिन जो छोटा बच्चा है ना तकरीबन 3-4 दिन का बच्चा वो 1 लाख रुपये का वो शौकीन बंदा है, सेल नहीं करता है, लेकिन लोग कराची से लाहौर से आते हैं उनके पास बच्चे छोटे लेके जाते हैं। ये बच्चा चेक करो, और इस भैंस का कहीं भाई हवाना चेक करो इसका, माशाल्लाह भेड़ का हवाना चेक करो। इसके नीचे एक बच्चा है और दो बच्चों वाली वो ये है, इसके नीचे दो बच्चे हैं। ये देख बब्बर शेर की तरह है भाई। मंडियों में अगर ये तलार की मंडी में ऐसी भेड़ आई थी, मैंने किसी दोस्त से मालूम किया था, वो 70 मांग रहा था फाइनल, उसने बताया अहमद उसका नाम है तलार की मंडी की, आप वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख लो, फाइनल उसने बताया था। ये यहाँ पर हुनर के सामने मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, फाइनल उसने मुझे रेट बताया था, कह रहा था 60,000 रुपये की एक, जो बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन भेड़ यकीन कर रहा हूँ ना सारी अच्छी हैं, इसमें एक भेड़ जो कमज़ोर नहीं है, सारी माशाल्लाह चौड़े सीने में और डबल हड्डी में खूबसूरत हैं। अगर तकरीबन 1 साल के बाद ना सिर्फ जो बच्चे पैसे देंगे भेड़ें जो है माशाल्लाह फ्री में हो जाएंगे, लेकिन लेंथ भी देखो इनकी और कद वगैरह हाइट देखो, ये भेड़ चेक करो यार। बार बार बता रहा हूँ कि भाई ये मंडी का जानवर नहीं है, घर के भाई के डेरे पर आया हूँ टाइम निकाल के। ये सारी भेड़ें अच्छी हैं और बच्चे देखो, ये बच्चा बिल्कुल पूरा वाइट है, वाइट गुलाबी है माशाल्लाह। और ये भी थोड़ा इनको बाहर चला दो यार एक मिनट, तो भी माशाल्लाह सारी भेड़ें अच्छी हैं। तो भाई को मैंने कहा आप बाहर जो है ना भेड़ निकाल के चेक कराओ, आगे चलाओ चलाओ आगे चलाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आज की वीडियो दोस्तों को अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आगे लेके जाओ यार, कि उसका क्योंकि भाई इसका जो ना वाले साहब यहाँ पर है नहीं, ये इसका बेटा है, ये कह रहा है कि फाइनल जो ना रेट 55,000 कह रहा है, 55 से कम नहीं है, लाजमी मैं इसे कुछ कमी पेशी कराऊँगा, 65 मांग रहा था। ये भी गबन तैयार है, गारंटी है मेरी, जो भी भेड़ खाली होगी ना। आगे 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 चलाओ, आगे चलाओ यार आगे चलाओ। तो इन भाई के पास दूसरी भी भेड़ें वो है बदीन की, लेकिन ये जो भेड़ें माशाल्लाह बदीन की नस्ल की बाब है यार, ये भाई चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह। कमेंट्स में लाजमी लिखना और कहाँ से देख रहे हो, लाहौर से, पंजाब से, सियालकोट से, मुल्तान से, ज़्यादा जो मेरे कस्टमर होते हैं ना वो कराची के होते हैं, मेरे सब्सक्राइब कर जितने हैं सारे कराची के। ये भी भेड़ भाई माशाल्लाह गबन तैयार है, और दूसरी जो भेड़ है उनका भी मैं आपको हवाना चेक कराता हूँ, लेकिन भेड़ें जो है ना घास पर रुकी है तो आगे जाने का नाम नहीं ले रही है, सारी अच्छी हैं। इसके यार दो बच्चे ना, बच्चे गोद में उठाओ, भेड़ खुद आपके पास आएगी। ये बच्चा है, उठाओ 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 आगे, ये चेक करो माशाल्लाह, भेड़ें चेक करो सारी अच्छी हैं, और नीचे अपने मुंह से खुद खा रही है। भाई जो है ना जंतर भी खिला रहा है इसको, और कह रहा है कि मैं चोकर वगैरह वंडा जो दाना भी होता है सब कुछ दे रहा हूँ, भाई शौकीन बंदा है, सारी भेड़ें अच्छी हैं। ये भाई गबन है, ये गबन है, और ये बच्चा 10 दिन का बच्चा है, लेकिन बच्चा देखो माशाल्लाह। शायद मेरी वीडियो लंबी होगी उसके लिए माजरत, लेकिन भाई अगर वीडियो लंबी नहीं होगी तो आपको जानवर कैसे आएंगे पसंद, चेक करो भाई। मैं अपना टाइम निकाल कर यहाँ खास आपके लिए आया हूँ वीडियो कवर करने के लिए, क्योंकि आज मेरी मंडी थी। वो ये इस भेड़ के दो बच्चे, एक वाइट है, वाइट एक पूरा वाइट है, एक दूसरा वाइट और ब्लैक है। ये दांतों में सिर्फ 4 दांत हुई है भाई, सिर्फ ये दांतों में अभी 4 दांत हुई है, 2 दांत की और है, जिसके नीचे एक बच्चा है वो 2 दांत है। उम्मीद करता हूँ यार बार बार आपको बता रहा हूँ, मेरी वीडियो देखते ज़्यादा हो लेकिन उसको लाइक और सब्सक्राइब और नहीं करते हो। ये चेक करो माशाल्लाह बच्चा देखो यार, सही वापसी वापसी लेके जा रहे इसके बच्चे गोद में उठा वापसी चले माशाल्लाह। लाजमी लिखना भाई कमेंट्स के अंदर, अगर किसी को 11 11 भेड़ें चाहिए तो मेरा नंबर 0305-30-26-990 राजा पाकिस्तानी, मुझ पर क्या कहते हैं इस नंबर पर मुझसे रब्ता करें। और भी भेड़ें हैं भाई के पास, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी, अगर टाइम मिला तो उनकी मैं वीडियो कवर करूँगा, वरना इन भेड़ों की वीडियो कवर करने के लिए आया हूँ। यहाँ देखो भाई भेड़ें चेक करो, ये देखो भाई ऐसे नस्ल आपने सिर्फ किसी डेरे पर देखे होंगे, और मंडी में कह रहा हूँ बार बार ऐसे जानवर नहीं आते।